नमस्कार विद्यार्थियों, आज मैं हूं आपके साथ में स्वर संधि के अंतिम वीडियो में। अब देखिएगा, आज हम पढ़ रहे हैं पूर्व रूप संधि और पर रूप संधि। आज तक हमने नवमी तक कक्षा में पढ़ा था, केवल पांच ही संधि पढ़ी थी, स्वर संधि की आयादि संधि तक। किंतु आज हम तो नई संधि पढ़ रहे हैं, एक तो पूर्व रूप संधि पढ़ रहे हैं और दूसरी पर रूप संधि पढ़ रहे हैं। पूर्व रूप संधि, उससे पहले पूर्व रूप संधि में क्या होता है देखिएगा, ये दोनों संधियां वैसे तो अपवाद है। पूर्व रूप संधि में क्या होता है देखिएगा, प्लस से पहले ए और ओ होने पर, प्लस से पहले तो होना चाहिए ए और ओ, और उसके बाद में जब अवर्ण हो, अवर्ण हो तो पूर्व रूप, प्लस से पहले ए और ओ होना चाहिए, उसके बाद में अवर्ण हो तो पूर्व रूप आदेश और अ का अवग्रह हो जाता, मतलब अ का अस बन जाता, एस वाला जो चिन्ह होता है ना, अवग्रह, इस प्रकार से तो यह आदेश हो जाता है। यथा देखिएगा, शब्द है अंते प्लस अपि, यह शब्द है, इसका हमें संधि करना है। देखिएगा यहां पर ए के बाद में यदि आ आया हुआ हो तो क्या होता है देखिएगा, पूर्व रूप आदेश। पूर्व रूप मतलब पूर्व रूप का अर्थ होता है पूर्व का, पहले रूप का अर्थ रूप, तो जैसे पहले रूप था वैसा का वैसा रूप रखना है हमें, और आ का अवग्रह कर देना है, ठीक है ना। यह है पूर्व रूप संधि। इसके अंदर देखिएगा नियम यही है, ए और ओ के बाद में जब अ वर्ण हो, सिर्फ और सिर्फ अ हो, तो वहां पर पहले जो वर्ण है पूर्व रूप है वो पूर्व रूप रखना है, और जो आ आया हुआ है उस आ का अवग्रह कर देना है, प्लस हटा देना है। यह होगी आपके पूर्व रूप संधि। जैसे देखिएगा पाठोयम, ठीक है ना, इसमें देखिएगा पाठ, पाठ प्लस, सॉरी पाठो प्लस अयम, यह है। अब देखिएगा, अब हमें इसका संधि करना है, तो संधि करना है तो देखिएगा क्या होगा, यहां पर जो ओ पूर्व में ओ है और ओ है, ओ स्वर के बाद में आ आया हुआ है, तो जब ए और ओ के बाद में आ आया हुआ हो तो वहां पर हमें पूर्व रूप आदेश करना है, मतलब पूर्व रूप तो पहले का जो रूप था वही रूप रखना है, पहले जैसा था वैसा का वैसा रखना है, और आ का अवग्रह कर देना, तो हमने आ का अवग्रह कर दिया। जैसे देखिएगा, हमें यह हमेशा ध्यान रखना है, चाहे हम संस्कृत लिख रहे हैं ना, उस समय भी ध्यान रखना है कि जब ए और ओ हो और उसके बाद में यदि आ आया हुआ हो तो हमें संस्कृत लिखते वक्त भी आंख मूंद करके उस आ की जगह पर अवग्रह कर देना है। जैसे देखिएगा नाट्यान से, हम लिखते हैं ना व्याख्या में नाट्यान से अस्मि, अब देखिएगा उसमें आपने ध्यान दिया होगा, कई बार हम लिखते हैं तो इस प्रकार से लिख देते हैं नाट्यान से अस्मि। इसका कारण क्या है कि वहां पर पूर्व रूप संधि हो जाती है, तो देखिएगा ए और ओ की मात्रा के बाद में जब आ आया हुआ हो तो वहां पर आपको आंख मूंद करके आ का अवग्रह कर देना हो, प्लस हटा करके उसे ही वापस लिखना है। यह हो गई आपकी पूर्व रूप संधि। ऐसे तो यह पूर्व रूप संधि है वो आयादि संधि की अपवाद है, तथापि यदि ए और ओ के बाद में जब आ स्वर आया हुआ हो, केवल आ स्वर की बात कर रहा हूं, आ स्वर आया हुआ हो तो आ का तो कर दो आप अवग्रह, अवग्रह मतलब ये एस वाला चिन्ह, और पूर्व रूप आदेश करना मतलब पूर्व अर्थात प्लस से पहले, पूर्व अर्थात पहले, तो प्लस से पहले जो भी रूप था वही रखना है, प्लस के बाद में जो आ आया हुआ है उस आ का आपको अवग्रह कर देना है। यह है आपके सामने पूर्व रूप संधि। फिर देखिएगा आज के बाद में आते हैं हम पर रूप संधि में। पर रूप संधि में देखिएगा, पर रूप संधि पहले तो प्र प्लस एज थे, यह है जो आ और ए मिलकर के आई बनता है, वृद्धि की अपवाद है, फिर यह दीर्घ की अपवाद है, तथापि हम थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। यहां पर क्या नियम होता है देखिएगा, एंगी पर रूपम, एक एंग प्रत्यार पर में होने पर रूपम पर रूप आदेश होता है, एंग प्रत्यार पर में, एंग प्रत्यार के अंदर आते हैं ए और ओ वर्ण, बल्कि ए और ओ वर्ण कब, जब ए और ओ क्या होनी चाहिए, धातुएं होनी चाहिए, ए और ओ धातुएं हो और उस समय ए और ओ शब्द हो तो उस समय में पर रूप आदेश हो जाता है। अब उससे पहले देखिएगा क्या होना चाहिए, उससे पहले अकारांत धातुएं होनी चाहिए, सॉरी अकारांत उपसर्ग होने चाहिए, जैसे यहां पर प्र उपसर्ग है और उपा भी उपसर्ग है, तो जो अकारांत उपसर्ग हो और उसके बाद में ए और ओ से शुरू होने वाली धातुएं हो उस समय में पर रूप आदेश हो जाता है। पर रूप मतलब देखिएगा यहां पर प्रेजते शब्द लिखा है हमने, तो प्रेजते में क्या हुआ है देखिएगा, प्र प्लस एजते, तो यहां पर जो आ था उसको हटा करके जो ए है वही आदेश हुआ है, पर रूप बाद में जो रूप था
वही आदेश हुआ, पर रूप का अर्थ यही होता है कि पर अर्थात बाद में जो रूप होता है वही आदेश होना है। तो यहां पर यही आदेश हुआ है, जो ए था वही आदेश हुआ है। अब देखिएगा इसमें नियम यह है कि यदि प्लस से पहले आ हो और आ कौन सा हो, जब प्लस से पहले वाला जो भी शब्द है वो उपसर्ग हो और प्लस के बाद वाली धातु हो तो ऐसी स्थिति में पररूप होता है, अन्यथा तो वृद्धि संधि होगी। किंतु प्लस से पहले उपसर्ग हो और प्लस के बाद में धातु हो, धातु तो आप जानते होंगे ना, पठति लिखति है, जैसे यहाँ पर एजते आया हुआ है, उपोस्ते आया हुआ है, जैसे होता है सेवते धातु होती है, उसी प्रकार से ये जो बाद में तो होनी चाहिए धातु है उससे पहले होनी चाहिए उपसर्ग। उपसर्ग भी आप समझते हो ना, प्रापरा आप समानो अवनिष्ठ, ये जो वाइस उपसर्ग होते हैं हमारे संस्कृत में, वो उपसर्ग में से जो अकारांत उपसर्ग है वो पहले होना चाहिए, उसके बाद में ए और ओ से शुरू होने वाली धातुएं हो, तो ऐसी स्थिति में पर रूप आदेश हो जाता है। पर रूप आदेश होना मतलब देखिएगा, यहाँ पर प्रा प्लस एजते, प्रा प्लस एजते, अब प्रा प्लस एजते यहाँ पर जो ए था ना, यहाँ पर प्रा के अंदर तो आ की मात्रा थी वो तो नहीं हुआ, किंतु जो ए की मात्रा थी वही आदेश हो गया प्रे जते। अब वही सिस्टम जैसे देखिएगा उपोषति में लिखा है हमने, तो उपोषति में क्या है, जो बाद में था पर में था वो आदेश हो गया है। फिर देखिएगा एक नियम आता है हमारे, शकंदु आदि शब्देषु पररूपम वाच्यम, शकंदु आदि शब्दों में पररूप संधि होती है। तो देखिएगा शका प्लस अंदु, शकंदु आदि शब्दों में कर्क प्लस अंदु, ये कौन सी संधि का, जैसे दीर्घ संधि का निषेध कर रहे आपके तीन में कुलटा, अब सका प्लस अंधु, कर्क प्लस अंधु, कुल प्लस अटा, किंतु यहां पर भी देखिएगा इसमें जो पररूप आदेश इत्युक्ते बाद में जो आ था ना वही आदेश हुआ, यहाँ पर दीर्घ संधि नहीं हो करके। अब देखिएगा आपसे यदि ये समझ में आई तो अच्छी बात, अन्यथा कोई जरूरी नहीं, यदि समझ में नहीं आई तो परीक्षा के अंदर इन उदाहरणों से बार उदाहरण नहीं आएंगे, आप 1, 2, 3, 4, 5 और 6 उदाहरण याद कर लीजिए कि आपकी पररूप संधि कंप्लीट है, आपको अपवाद याद करने की जरूरत ही नहीं, वैसे ये दोनों ही संधि अपवाद है, किंतु यदि आप इस पररूप संधि के इतने उदाहरण याद कर लेते हो तो इससे बाहर पररूप संधि में कुछ भी नहीं जाएगा, और पूर्व रूप संधि तो एकदम सरल ही है भाई, ए और ओ के बाद में जब आया हुआ तो आ का उग्र और पूर्व रूप आदेश हो जाता है। यहां भी पर्व रूप में भी पररूप आदेश होता है, तथापि आपको ये याद करने हैं इतने उदाहरण। धन्यवाद, आज हमारी स्वर संधि समाप्त हुई, कल से हम व्यंजन संधि शुरू करेंगे, और इनके ही आप किताब से पर पूर्व रूप संधि के लिखने होंगे, आपको किताब से या कहीं से भी मदद लेकर के आप अधिक से अधिक उदाहरण लेकर अधिक से अधिक अभ्यास करें, जो मैंने यहाँ पर लिखवाया है वो भी आप यहाँ से वीडियो से देख करके लिख लेना। धन्यवाद।